हेलो एवरीवन यार, ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है सी प्लस प्लस फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज, अगर ये जो है इनको आप जो है फर्स्ट लेक्चर से आप नहीं देख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप जो है ज़रूर जा कर के देखिए। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 90% क्वेश्चन जो है इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, आप इतना मेरे पे विश्वास कीजिए। बाकी जो है मैं जो भी टॉपिक्स करा रहा हूँ आप उनको पढ़ते रहिए, आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, आपके सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कवर किया था जो कि था आपका स्ट्रिंग। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जा करके देखो। बाकी हम जो है आज की वीडियो में क्या देखेंगे, आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो कि हमने जब इनपुट लेते थे तो क्या करते थे, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें इनपुट लेनी है तो मैं क्या करता था, इनके बीच में स्पेस दे देता था। ठीक है, स्पेस दे देता था तो एक क्या होता था, एक बार एक जो है सीन इसको ले लेता था इनपुट में, दूसरा सीन जो है इसको इनपुट में ले लेता था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मेरा हो गया कि स्ट्रिंग क्या लिखा रहा, स्ट्रिंग str1 str2। ठीक है, और मैंने क्या किया, सीन किया str1 और str2 में। ठीक है, सी आउट कर दिया मैंने str1 और यहाँ पर मैंने दिया स्पेस, एंड कर दिया str2 कर दिया। ठीक है, तो जब मैं इनपुट लूँगा तो यहाँ पर देखो इनपुट और मुझे यही जो है str1 str2 को मुझे आउटपुट भी कराना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हेलो एंड वर्ल्ड। ठीक है, ये कई लाइन में है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा ना होने की वजह से क्या कर दिया, इसको मल्टीपल लाइंस में कर दिया। बट आपको कैसे समझ में आया कि कई लाइन में, यहाँ पर जो आपको दिखेगा वन लिखा हुआ है इसका मतलब कि एक लाइन में, अगर यहाँ पर जो है टू लिख करके आ जाता तो ये जो है आपका सेकेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। यानी कि हम क्या करते हैं, जब भी अलग अलग स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, यानी कोई भी डेटा हो अगर वो स्पेस से सेपरेटेड है, तो हम क्या करते हैं दो बार दो वेरिएबल में हम उसको इनपुट लेते हैं। लेकिन मैंने बोला कि यार ये एक्चुअल में क्या है, एक हो सकता है कि एक लाइन ही है। जैसे हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम, ठीक है, या फिर इस तरह से बोल दिया श्याम इज गोइंग टू हिज हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार आपको क्या करना है ना, कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस अब है, अब पूरे के पूरे सेंटेंस को आप इनपुट करो। तो कैसे करोगे, आपको तो नहीं पता, आपको तो बस इतना पता है कि मैं श्याम को अलग से इनपुट ले सकता हूँ, इज को इनपुट ले सकता हूँ, गोइंग को इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम आपको दिया है जहाँ पर मैंने बोला कि यूजर जो है कुछ भी आपका एक सेंटेंस यहाँ पर इनपुट करेगा और आपको उस सेंटेंस को आउटपुट कराना है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि यूजर कितने जो है इस तरह से स्पेस सेपरेटेड स्ट्रिंग देने वाला है। तो आपको जो पता ही नहीं चलेगा कि कितनी स्ट्रिंग हमें यहाँ पर डिक्लेयर करनी होगी और उसमें स्टोर करना होगा। तो ऐसे जो है एक सेंटेंस को इनपुट करने के लिए हमारा यहाँ पर फंक्शन काम में आता है, वो फंक्शन का नाम है गेट लाइन। ठीक है, गेट लाइन नाम का फंक्शन है, ये है आपका गेट लाइन नाम का फंक्शन। ये इसका जो है सिंटैक्स ये होता है, यहाँ पर सी इन होता है और यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम जिसमें आपको पूरा का पूरा ये सेंटेंस स्टोर कराना है, ये यहाँ पर वेरिएबल आपका आ जाता है और यहाँ पर आपका आ जाएगा सेमी कॉलन। तो ये आपका होता है एक लाइन का कोड जो कि क्या करता है, इस जो भी स्ट्रिंग है इसमें इनपुट कर देता है। ठीक है, यानी कि ये जो सैम इज गोइंग टू हिज हाउस को अगर मुझे क्या करना हुआ, अगर मुझे इनपुट करना हुआ, तो मैं सिंपल से यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग यूज करूँगा और इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँगा गेट लाइन और यहाँ पर सीन str1 यहाँ पर सेमी कॉलन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इन सभी को हटा दूँगा। ठीक है, तो जब मैं आउटपुट कराऊंगा तो आप देखो क्या होगा कि str1 यानी कि श्याम इज गोइंग टू हिज हाउस पूरा का पूरा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब एक काम कैसे करते हैं, सी इन और सी आउट, सॉरी सी इन और गेट लाइन आपके काम कैसे करते हैं, ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सी इन और सी इन वर्सेस गेट लाइन, सीन क्या करता है कि सीन वहीं तक रीड करता है जब तक कि इसको कोई स्पेस या फिर आपका न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब बैक स्लैश एन। ठीक है,
और जो है बैक स्लैश एन आपको दिखता नहीं है बहुत बार, तो अगर मान लो कि मैंने एक सेंटेंस लिखा होता कुछ इस तरह से, मैंने एक सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, यहाँ पर जो है इस तरह से स्पेस दे दिया, एंटर कर दिया होता, तो एंटर करने का मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने एंटर मारा था, और एंटर मारने का मतलब है कि बैक स्लैश एन मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है कीबोर्ड से, तो आपका जो सीन है वो क्या करता है, वहीं तक सिर्फ रीड करता है जब तक कि उसको जो है कोई स्पेस या फिर बैक स्लैश एन नहीं मिल जाता। जैसे ही उसको बैक स्लैश एन या फिर स्पेस मिलता है वो उसके आगे रीड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करता है कि आपका जो सी इन होता है वो अगर वो शुरू में ही आपको स्पेस मिल जाएगा या फिर बैक स्लैश एन मिल जाता है तो उन सभी को इग्नोर कर देता है, ठीक है। ये कहने का मतलब मेरा क्या है, इसको भी मैं आपको अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो ये है मेरा यहाँ पर, मैं इसको जो है हटा देता हूँ। और मैंने क्या बोला था कि आपका जो है अगर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एंटर कर दिया, यानी कि बैक स्लैश एन जो है तीन जगह पर यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग str1, ठीक है, और सीन किया मैंने, तो क्या यहाँ पर इनपुट होगा, सीन करूँगा str1 में तो श्याम इनपुट होगा, ठीक है, यही वाली चीज़ आपकी इनपुट होगी। ये बैक स्लैश एन ये सभी के सभी इग्नोर कर दिए जाएंगे, ठीक है, तो आपका आउटपुट में क्या आ जाएगा, cout str1। हम इसको रन कराते हैं और आप देखो क्या आएगा, आपका श्याम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, श्याम आपका यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया था तो ये सभी के सभी स्पेस भी इग्नोर कर दिए जाएंगे, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। रन कराया मैंने और अगेन जो है आप देखो यहाँ पर रन हो गया और ये जो है श्याम यहाँ पर हमें मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से सीन काम करता है, लेकिन आपका जो है गेट लाइन किस तरह से काम करता है, आपका जो गेट लाइन है ना वो कैसे काम करता है कि जितने भी स्पेस होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको स्पेस दिख रहा है, ये सभी स्पेस को रीड कर लेता है, ठीक है। तो जो गेट लाइन है वो तब तक रीड करता है जब तक कि उसको जो है न्यू लाइन करेक्टर यानी कि बैक स्लैश एन नहीं मिल जाता या फिर एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाती है। जैसे ही उसको न्यू लाइन करेक्टर यानी बैक स्लैश एन मिलता है या फिर एंड ऑफ फाइल मिल जाती है तो क्या करता है, उसके आगे रीड नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पर जो है अगर गेट लाइन यूज किया होता, कुछ इसमें थोड़े से मैं चेंजेस करता हूँ, इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ पर आपका क्या है कि फर्स्ट लाइन में आपका जो न्यू लाइन करेक्टर ऐड किया गया है इसी वजह से यहाँ पर है, सेकंड लाइन में हमने क्या लिखा है, चार स्पेस दे करके श्याम लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमने स्पेस दिया इसलिए तीसरी लाइन यहाँ पर आपको शो रही, थर्ड लाइन में आपका क्या है गोइंग टू हिज, और इसके वजह से फिर अगेन न्यू लाइन में यहाँ पर है स्पेस और हाउस है। तो अगर मैंने यहाँ पर क्या किया कि गेट लाइन यूज कर दिया होता, गेट लाइन मैंने यूज किया और सीन करके str1 किया अगर मैंने, तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे जो है यहाँ पर कुछ भी नहीं इनपुट में मिलेगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही एफ यहाँ पर आएगा इसको न्यू लाइन करेक्टर मिल गया और कुछ भी रीड करने के लिए नहीं मिला। एक चीज़ याद रखना कि न्यू लाइन करेक्टर को ये रीड नहीं करता यहाँ पर, ठीक है, ये न्यू लाइन करेक्टर को यहाँ पर रीड नहीं करता है। जैसे आपने गेट लाइन लगाया यहाँ पर आप देखो कुछ भी आपको आउटपुट में नहीं मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो जैसे ही रन होने के बाद से आएगा आउटपुट, कुछ नहीं आया, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर दूसरा एक और स्ट्रिंग यूज कर लिया था str2, और यहाँ पर जो है सेम चीज़ को मैं कॉपी करूँगा और कंट्रोल वी, और यहाँ पर 2 हो गया, और इसके वजह से मैंने दिया यहाँ पर एंडल, और इसके वजह से str2 लिख दिया। तो अब आपका जो सेकेंड लाइन में आएगा आपका स्पेस इतना आएगा, फिर श्याम इज आएगा, इतना आपका प्रिंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो आपका क्या है, ये न्यू लाइन जो आपका यहाँ पर आया है किस वजह से आया, एंड एल की वजह से आया, ठीक है। ऐसा कुछ मत सोचना कि यहाँ पर जो है str1 में आपका ए वाला न्यू लाइन स्टोर हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हमने जो है यहाँ पर एंडल दिया था इसकी वजह से यहाँ पर न्यू लाइन में ये चीज़ प्रिंट हुआ। आपका यहाँ पर चार स्पेस है उसका से श्याम इज है, ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब कुछ और हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने दे दिया ए बी सी स्पेस दे दिया, डी ई एफ दे दिया, ठीक है। अब मुझे जो है इसको भी इनपुट लेना है, फिर जो है ये इसको भी मुझे इनपुट लेना है,
तो अगर मैं मुझे इनपुट लेना होगा ये दोनों लाइंस को, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है यहाँ पर गेट लाइन यूज करूँगा और STR1 और STR2 दोनों में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर हमें इसको कर्सर को यहाँ पर करना होगा। अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये दोनों के दोनों इस तरह से आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब न्यू लाइन किस वजह से आ रहा है, न्यू लाइन जो है एंड एल की वजह से आ रहा है। आपको हमें एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड किया गया है, यानी कि जब मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर थर्ड लाइन नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर कर्सर रख करके एंटर किया आपको थर्ड लाइन दिख गई, ठीक है। तो अब जो है जैसे ही थर्ड लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब कि हमने यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड किया है। न्यू लाइन कैरेक्टर को और रीड नहीं करता है गेट लाइन, यहाँ पर नहीं करता है, उसको स्किप कर देता है और नेक्स्ट लाइन में कर्सर भेज देता है। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर मैंने सीन यूज किया होता तो सीन क्या करता है, एक सीन इसको रीड करता, दूसरा सीन जो है इसको रीड करता। अब सीन क्या करता है ना, सीन जो है आपका कंट्रोल को यहीं पर छोड़ देता है, जैसे इसको रीड किया तो कंट्रोल को यहीं पर ला करके छोड़ देगा। अगर आपने जो है इस तरह से कुछ किया होता, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, हमने अगर जो है लिखा होता सीन और यहाँ पर STR1 लिखा होता, ठीक है, तो अब ये क्या करता ना, STR1 रीड कर लेता, किसको, ABC को रीड कर लेता, इसके से आपका कर्सर कहाँ पर छोड़ देता, कंट्रोल यहीं पर छोड़ता, जो गेट लाइन है वो क्या करता, ये पूरा स्पेस और DEF को रीड करता, ठीक है। तो इसको मैं जब रन कराऊंगा तो देखो आउटपुट में क्या आने वाला है, यहाँ पर आउटपुट में आपका आएगा ABC और आपका जो है एंड एल की वजह से न्यू लाइन में आ गया, और ए जो है तीन स्पेस आपके ए वाले हैं, फिर DEF आपका यहाँ पर ए है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सी इन और गेट लाइन किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो मैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने वाला हूँ। अब जो है मैं यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ और आपको जो है इसका कोड लिखना है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है कि अगर जो है यहाँ पर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह से है कि पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन है उसमें मैं क्या दूंगा कि एक इंटीजर वैल्यू दूंगा, जो कि क्या बताएगी कि आपके जो है नेक्स्ट कितनी लाइन से जिनको आपको रीड करना है, और उनको रीड करने के बाद से उनको एज इट इज आपको आउटपुट भी करा देना है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर इनपुट जैसे लिखा टू का मतलब हुआ कि हमारे पास जो दो लाइन्स होंगी, ठीक है, दो लाइन्स होगी जिनको हमें रीड करना है, वो स्ट्रिंग होंगी, उनको रीड करके हमें एज इट इज आउटपुट करा देना है। जैसे कि मान लेते हैं एक है कि हेलो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है, और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आपको क्या लगा पता चला कि टू का मतलब दो लाइन्स है जिनको हमें रीड करके आउटपुट कराना है। अगर यहीं पर मैंने थ्री दे दिया होता जिसका मतलब कि हमारे पास थ्री लाइन्स है जिनको हमें रीड करके आउटपुट कराना है, तो ये हमारे पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट होगा, या अभी ये भी स्टेटमेंट होगा, ये भी एक स्टेटमेंट होगा, इनको हमें रीड करना है, ठीक है। इसका आप कोड खुद लिखिए और कोड लिख करके रन कराइए, देखिए आपको क्या चीज़ मिलता है, ठीक है। अब मैं इसका कोड दिखाता हूँ रन लिख करके और बताता हूँ इसमें क्या चीज़ मुझे सिखानी है। वैसे मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर जो है इनपुट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया इंट एन और सी इन मैंने किया, क्या किया, जो भी एन है उसमें मैंने इनपुट करा लिया। अब मुझे क्या करना होगा, गेट लाइन करना होगा। गेट लाइन करेंगे तो भाई इसको, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सी इन करेंगे और STR1 एक वेरिएबल ले लेंगे। लेकिन 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 कितनी बार ये चीज़ हम करेंगे, तो यहाँ पर हमें लगा लेंगे वाइल लूप, और यहाँ पर हम ले लेंगे वाइल लूप, क्योंकि हमें ये चीज़ की सियोरिटी नहीं है कि कितनी बार हमें जो है इनपुट लेना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर जो वाइल लूप लगा लिया और एन माइनस माइनस हमने कर दिया है। अब एन माइनस माइनस हमने किया और उसके बाद से यहाँ पर जो है हमने ये कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। हमें क्या करना है, इसको आउटपुट भी कराना है, ठीक है। तो आउटपुट के लिए सी आउट, और सी आउट के बाद से STR1, ठीक है, STR1, और इसके बाद से एंडल कर देंगे, ये चीज़ हमारा हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि हमें जो है स्ट्रिंग को यहाँ पर डिक्लेयर भी करना है, STR1 हमने कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा इतना हो गया। तो अब जो है अगर आप कोड को देखो तो हमारा कोड अच्छे से एकदम रन करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ टू दे देता हूँ, ठीक है। तो टू दे दूंगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो एन की वैल्यू टू रखेगा, और जब टू रखेगा तो गेट लाइन सीन करेगा STR1 में, ये पूरी पूरी लाइन को रीड करके क्या करेगा, हमें आउटपुट करा देगा। फिर जो है जैसे ये वाइल लूप में टू था, ठीक है, तो जब चेक किया तो चेक करते टाइम तो टू था,
लेकिन उसके बाद से ए वन हो गया होगा तो फिर अगेन चेक करेगा तो दूसरी बार ए वन है, अभी भी ये सही है, चलेगा, नेक्स्ट वाली लाइन को भी इनपुट कर लेगा। लेकिन जैसे ही ये चेक करने के बाद हटा होगा तो एन की वैल्यू जीरो हो गई, तो अब अगली बार और चलेगा तो जीरो हो जाएगा, और जीरो पर हमें पता है जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो जब फॉल्स ए वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी तो ये क्या कर देगा, ए पूरा का पूरा हमारा ए लूप है ए ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का, जब इसको हम रन कराते हैं तो रन कराने के बाद देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो आउटपुट में हमें यहाँ पर कुछ एरर मिला है, ठीक है, एरर क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर, ओके ओके ओके, यहाँ पर जो है सेमी कॉलन हमने भूल हम भूल गए थे। तो अब इसको रन कराते हैं तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो आपका जो है, देखो हमने कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं कराया है, ठीक है, हमने कोई भी न्यू लाइन प्रिंट नहीं करे, बट यहाँ पर न्यू लाइन यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है। जब न्यू लाइन प्रिंट हुआ है तो इसका ओके ओके जस्ट ए मिनट, हमने एंडल दे रखा है तो हम एंडल को हटा देते हैं और यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ रखते हैं। अब देखते हैं हमारा आउटपुट में क्या आता है, ठीक है। अब आउटपुट में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो आउटपुट में क्या है, ए बी सी और स्पेस में डी ई एफ, यानी कि आपका जो है सिर्फ यही वाली चीज़ प्रिंट हुई है आपका। लेकिन क्या होना चाहिए था, दो बार ये लूप चलेगा। अगर आपको जो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि दो बार कैसे चलेगा, तो हम जो है यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। प्रिंट कराएंगे तो आपका क्या होगा, सी आउट को प्रिंट कराएंगे एन को, ठीक है, सी आउट एन करेंगे, यहाँ पर हम दे देते हैं थोड़ा सा स्पेस भी। तो आई थिंक ये जो है आपका वन और जीरो प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एन की वैल्यू क्या होगी, वन और जीरो यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर वन प्रिंट किया है, जीरो प्रिंट किया, यानी कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो है लूप कितनी बार चला है, दो बार चला है, ठीक है। ये लूप कितनी बार चला है, दो बार चला है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको इसमें अभी भी डाउट हो कि यार ये जो है एक ही बार लूप चल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रू कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ इफ़ एन की वैल्यू मेरी मिल जाती है जीरो, तो क्या करो इसको ब्रेक कर दो, इसको क्या करो ब्रेक कर दो, ठीक है। और एन की वैल्यू मैं कहाँ पर जो है माइनस करने वाला हूँ, इसके ऊपर माइनस करूँगा, एन माइनस माइनस करने वाला हूँ, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि अब ये जो है दो बार लूप चलने वाला है, अभी भी मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी और डी ई एफ ही मिलेगा। क्यों मिल रहा है ऐसा, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा रखा है, अब इसको समझिए ऐसा क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे आपने सीन किया, तो सीन को मैंने क्या बताया था कि भाई सीन काम क्या करता है ना, वो इसको रीड कर लेगा तो कंट्रोल को यहीं पर रखा रहेगा, यहीं पर जब रखा रहेगा तो यहाँ पर क्या न्यू लाइन करेक्टर है, और जब गेट लाइन पाएगा आएगा यहाँ पर तो गेट लाइन को देखेगा कि भाई यहाँ पर तो न्यू लाइन करेक्टर है, और न्यू लाइन करेक्टर के आगे वो रीड नहीं करेगा, और न्यू लाइन को भी नहीं रीड करता है, इसलिए वो कुछ भी रीड नहीं करेगा, तो एस टी आर वन में कुछ नहीं रख पाया वो, ठीक है। लेकिन दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार जो है कंट्रोल वो भेज देगा अब न्यू लाइन इस वाले पर, सेकेंड लाइन पर, तो दूसरी बार एस टी आर वन में वो जो है इसको रीड कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई, और दूसरी बार इसको जो है रीड करके यहाँ पर वो प्रिंट करा दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा सी इन और सी आउट काम किस तरह कर रहा। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा तब आप कैसे जो है इस वाले न्यू लाइन को आप इग्नोर करोगे, हटाओगे, तो इसके लिए यहाँ पर हमारा जो है एक फंक्शन यूज होता है सी इन डॉट इग्नोर नाम का, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पर इनपुट ले लिया ना, तो आप क्या करो यहाँ पर सी इन आप एंटर करो, सी इन डॉट इग्नोर, और यहाँ पर जो है आपका पैरेंथेसिस। अब क्या होगा कि इसने कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पर ला दिया है, अब जो है आप देखोगे कि आपका जो दोनों लाइन्स है वो सही से प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों लाइन्स यहाँ पर प्रिंट हो गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि हमें जो है न्यू लाइन पर लाने के लिए, यानी इस जो है न्यू लाइन को इग्नोर करने के लिए हमने क्या यूज किया, एक फंक्शन यूज किया सी इन डॉट इग्नोर, और आपका जो है गेट लाइन कैसे काम कर रहा है, सी इन कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये जो है ना आपका गेट लाइन फंक्शन ए सी इन डॉट इग्नोर, ये कभी भी आपको जो है
इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे, बहुत ही कम चांस है, रेयर चांस है इंटरव्यू में पूछे जाएं, बट आपके जो है हैंड्स ऑन जो क्वेश्चंस कोडिंग के होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस हैं पूछ ले जाएं। उसमें जो है आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है प्रिपेयर होकर के जाना है कि अगर आप जो टेस्ट देने जा रहे हो तो ये चीज़ें एक बार ज़रूर देख लेना। और मैंने आपको बोल रखा कि यार इनके जो है ना नोट्स ज़रूर बनाओ, बिना नोट्स के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप आज पढ़ रहे हो एक हफ्ते दो हफ्ते बाद भूल जाओगे। नोट्स आपका रहेगा वो आपको रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये चीज़ें थी आपका जो है सीन और गेट लाइन से रिलेटेड, और आई होप आपको जो है क्लियर हो गया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन इन पर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर। और यार अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कैसे करना है, नीचे एक रेड कलर की बटन है उसको प्रेस करो, और बगल में जो घंटी है उसको भी बजाओ, ठीक है। जितनी बार बजाना उतनी बार बजाओ, लेकिन बजा करके उसको भी एक्टिव कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।